In 1492, कोलंबस सेल्ड द ओशन ब्लू। ये राइम आपने बहुत पहले सुनी होगी, जब आपको याद करना था कि कोलंबस कब उन्होंने ट्रैवल किया था, कौन से ईयर में उन्होंने ट्रैवल किया था अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। लेकिन नहीं, कोलंबस पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। इससे पहले भी और लोग थे जिन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर चुके थे, जिनमें से मैं इस वीडियो में आपको विकिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। विकिंग्स जो थे वो उनकी कॉलोनीज थी ग्रीनलैंड में और आइसलैंड में। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में कॉलोनीज होने के बावजूद उन्होंने सेल की, उधर अमेरिका पहुंच गए। जैसे एक्सीडेंटली क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया, वैसे ही उन्होंने भी एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में पूरा जानेंगे कि उन्होंने कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया अमेरिका को। मेरा नाम है अक्षत बिजवानिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो 986 एडी में, मतलब कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया, उससे 500 साल पहले वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड से अमेरिका को डिस्कवर किया। ठीक उसी तरीके से एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जिस प्रकार से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया। एक मर्चेंट शिप से गए, नाम था बिजार्नी हेल्जोरसन, जिन्होंने अमेरिका से सेल कर अमेरिका तक सेल करी। आइसलैंड से लेकर ग्रीस ग्रीनलैंड तक उन्होंने सेल किया अमेरिका तक, और उन्होंने ही अमेरिका को डिस्कवर किया। और जब तक वो वापस आए तब तक 1000 एडी हो ही चुका था, और उन्होंने अपनी कहानी जाके सुनाई एरिक्सन को। तो लीफ एरिक्सन को अपनी शिप सेल कर दी, जिस शिप का नाम हुआ लीफ द लकी। और उनको जब उन्होंने अमेरिका ट्रेवल किया, उन्हें वेस्ट का अनुभव हुआ कि तीन महाद्वीप के अलावा भी दो और महाद्वीप एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो जब लीफ एरिक्सन ने जब शुरू किया अपने क्रू मेंबर्स को, उन्होंने ऐड किया और उन्होंने अमेरिका की सेल की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कितनी रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है। और उन्होंने यह भी ऑब्जर्व किया कि अमेरिका में इतना अच्छा मौसम है कि वहाँ का मौसम इतना गर्म है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का, कि ठंडियों में भी वहाँ पे कोई फ्रॉस्ट नहीं दिखती। और उस जगह का नाम उन्होंने रखा विनलैंड या फिर वाइनलैंड। वाइनलैंड इसलिए रखा क्योंकि जहाँ उस एरिया में वाइन बनाने वाले ग्रेप्स भी मिलते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से विकिंग्स ने डिस्कवर किया विनलैंड को, जो कि आज अमेरिका में कहीं स्थित होगा, तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था 10th सेंचुरी में। और ये प्रोसेस चलती रही 15th सेंचुरी तक उनके रहने की। लेकिन आज कोई नहीं जानता कि रियल प्लेस विनलैंड, यानी कि वो जगह जिनको विकिंग्स ने डिस्कवर किया था, वो कहाँ पे है। लेकिन आज सब लोग यही जानते हैं कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने रियली में अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जी थे, उन्होंने अमेरिका के एक टापू था ब्रामास, वहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की थी अपनी शिप की, और इसलिए वो जाने गए कि उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, comment, share and also subscribe to my YouTube channel. And for more updates, please press the bell icon of my channel. Thank you, friends.